इंसाफ हमें क्या चाहिए? इंसाफ साफ के आगे झुकना पड़ेगा। साफ के आगे झुकना पड़ेगा। हमारी रोड कंप्लीट करो, हमारे मुतालबात पूरे करो। हमारी रोड कंप्लीट करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना। हाँ जी, नाम माड़ा मोहम्मद असलम है। नाई सरपंच चढ़ी मरदा नाड़िया। इतने दो पंचायत आई हैं, नाड़िया और मरदाना इशा। इस विच रोड जड़ी आई 1980 तू कि नहीं आई, दिन तक रोड जड़ा कोई काम नहीं शुरू होया। देने रे काजी रिकॉर्ड विच ऐ जी मुकम्मल होई है, तो इस थोड़ी मुकम्मल ही कोई नहीं है। रोड नहीं है, तत्ते पानी इतों पतराड़ा पंचायत अड़ी। अस ये आखना चाहते हैं एडमिशन की ये असली रोड जड़ी है जल्दी से जल्दी बननी चाहिए, क्योंकि 20 साल 1980 तू कि नहीं आई, दिन तक तो अंदाजा लो कोई रोड नहीं है। पैसा रखने और पैसा कट्टी छोड़ने बीबीसी चेयरमैन तक उत्थे लुक पेई असाड़ी रोड गड्डी नहीं चली सकनी है, रास्ता नहीं थो चली सकना। मेरा नाम है हाजी मनीर सिंह, मैं पतराड़ा रहने वाला हूँ। हमारी रोड का ये हालत है, तो ट्रैक्टर भी नहीं यहाँ जा सकता। हमें ये रोड चाहिए जहाँ पर खुई तरह से पतराड़े में बहुत पहाड़ी पर रोड चली गई। हमारे हम सिटी में रहते, हमारी रोड की ये हालत है, मैं इसी पर रिक्वेस्ट करता हूँ। पहले तो आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे पास यहाँ आए हैं। मैं मोहम्मद अफसर, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी रोड जो है, ये पब्लिक ने खुद अपने जेब से खर्चा करके और दिन रात करके ये रोड यहाँ तक निकाली है। ये पंचायत अपने मर्दाना शाह से लेकर ये पतराड़े तक, पतराड़े रोड तक लिंक रोड जाती है ये। तो इस रोड में पब्लिक ने अपनी जेब से खर्चा करके तो इस रोड को काम शुरू किया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी इस रोड पर गवर्नमेंट हमारा थोड़ा तहफ़ करे और हमें कुछ ना कुछ हमारे साथ मदद करे, ताकि ये रोड जो है ये पब्लिक के लिए सीधी हो सके। जी, मैं रिटायर्ड हौलदार मोहम्मद जबीर आर्मी से हूँ। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस रोड का जो मसला है, मेरे से पहले भाइयों ने बताया है, तो इस रोड का मसला हमारा हल करें। ये लोगों ने अपनी तरफ से पैसा डाल के कुछ रोड निकाली है, इसलिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, एलजी साहब से, डीसी साहब से और अपनी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इस रोड को किसी किसी खाते में डाल के इसका पैसा दे के और इस रोड को मुकम्मल करें। हमारी आबादी है इधर पीछे, बहुत आबादी की बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस ज़्यादा मैं कुछ ना कहते हुए दोबारा एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हम गरीबों की तरफ थोड़ा ध्यान दें। आप बोलते हैं डिजिटल इंडिया, ये है डिजिटल इंडिया हमारा। कहीं पर
आर्मी से नायब सूबेदार जसबीर सिंह रिटायर आया हूँ। यहाँ पर पब्लिक को बहुत नुकसान है, बहुत अपने अपने घरों में सामान लाने के लिए, गाड़ियाँ लाने के लिए बहुत परेशानी है। हमारी गाड़ियाँ कम से कम 1 किलोमीटर दूर खड़ी करके रात को हम छोड़कर आते हैं। हमें इस चीज़ की बहुत परेशानी है, हमारा नुकसान हो सकता है। हम यही गवर्नमेंट से कहते हैं, यही पब्लिक से, अब हम आवाम से कहते हैं कि हमारी रोड का काम जो है जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी हमें अपने अपने घरों तक रोड दी जाए। तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पर एक पुल बना था रोड के ऊपर, उस पुल के आगे का काम इन्होंने पहले हमें गांव में आकर बताया था कि आपके गांव में जल्दी से जल्दी हम 1 साल के अंदर अंदर रोड 2-3 किलोमीटर तक बनाएंगे, पर इन्होंने पुल बनाने के बाद रोड को काम भूल दिया और सब काम ख़त्म कर दिया, कोई काम आज तक नहीं हुआ। आज हम अपने हाथों से ये काम करके रोड बना रहे हैं। हम इस चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी हमें रोड का बेनिफिट दे।